तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टीचर एंड जी सुरेश स्टोर। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। फिलहाल जो था, हमने एक प्लांट्स मंगवाया था, फ्रूट प्लांट जो कि मंगवाए थे न्यू आइज के साबूज नर्सरी से। तो आज उनका लगाने का समय आ चुका है। हालांकि काफ़ी गर्मी भी तेज़ होने लगी है और इस तरीके से ये पॉलीथीन में जो है रुक भी नहीं पाएंगे। और देखें, इसके हम सुबह में डालते हैं पानी भी, तब भी इतनी सी मिट्टी में कितना रह पाएगा आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ये देखें, ये ड्राई हो जाता है सारा। ये देखें इस तरीके से, ये पूरा मीडिया ड्राई पड़ा हुआ है और माशाल्लाह ग्रोथ भी आना शुरू हो चुकी है। देखें, ये वाइट रूट जब आना शुरू होती है तो समझ लीजिएगा पौधा ग्रोथ लेना स्टार्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से जो है हमारा ये है नागपुर ऑरेंज, ये संतरे का पौधा है हमारा, जो कि नागपुरी संतरा जैसे बोलते हैं, ये वो वाला है। और ये देखें, इसकी भी देखें नई ग्रोथ आ रही है इस तरीके से। और ये हमारा क्या है, ये एक पौधा है, इसको बोलते हैं हम अल्फांसो मैंगू। ये अल्फांसो मैंगू है, तो ये भी ग्राफ्टेड है और वो भी ग्राफ्टेड है, सारे ग्राफ्टेड हैं। बाकी हम दिखाएंगे आपको ये वाला हमारा क्या है, ये भी, ये देखें इसकी भी मिट्टी देखें। हालांकि प्लांट इन्होंने हमें अच्छे भेजे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इन प्लांटों के अंदर सही चल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इन्हें हो चुका है पूरा एक महीना इन प्लांटों को। तो ये देखें, इसकी भी देखें सारी मिट्टी देखें कैसे ड्राई हो रही है और ड्राई हो रखी है। ये कौन सा पौधा है, दिखाएं कैमरामैन। ये है हमारा मियाज़ाकी मैंगो, ये मियाज़ाकी मैंगो है। अब हम जो है, आपको पहले भी हमने वीडियो में बताया था कि हम अभी आपको बता तो रहे हैं, ये सारी वैरायटी आपको सारी जितनी भी हैं सब अच्छे रेटों में मिल रही हैं, 300 350 400 रुपये के अंदर मिल रहे पा रही हैं। मगर इसका कंफर्मेशन नहीं है अभी कि हाँ ये 100% जेन्युइन हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से ही खरीदें जब भी आप खरीदें। ये आपको पहले बता देता हूँ, ये बनाना मैंगो है, क्योंकि जब तक इस पर फ्रूट नहीं आएगा मैं जो है इस पर अभी विश्वास नहीं करूँगा, ना ही मैं आपको इतनी श्योरली बता सकता हूँ। हाँ, हालांकि जो सेलर होते हैं वो बोलते ही हैं कि हमने आपको चीज़ जेन्युइन ही दी है, जेन्युइन देंगे। तो बहरहाल ये एक विश्वास का खेल होता है, आप चाहें तो विश्वास कर सकते हैं और चाहें तो आप थोड़ा सा सब्र करें तो आप इसको जो है ख़रीद सकते हैं बाद में। ये देखें, ये है मेरा 10 इंची का पॉट और इसमें मैंने जो मीडिया लिया है, जैसे मैं हर बार लेता हूँ गार्डन सॉइल और राइस हस। गार्डन सॉइल में मेरे कोकोपीट भी है, वर्मी कंपोस्ट भी मिला हुआ है और भी कई सामग्री इसके अंदर ऐड है। और ये काफ़ी दिनों से धूप लग रही थी इनको, तो लगाने का समय नहीं मिल पाया था, रमज़ान का समय चल रहा था, ईद का भी टाइम आ चुका था, जिस वजह से हमें फुर्सत ना मिलने की वजह से हम आपको वीडियो नहीं दिखा पाए। काफ़ी सारी वीडियो ऐसी हैं जो हम आप तक अभी नहीं पहुंचा पाए हैं और अब कोशिश रहेगी कि आपको पूरी डिटेल वीडियो सब देने की, कि जल्द से जल्द आपको हर एक वीडियो जो हमारी रह गई है और जो हमारे गर्मियों में केयर पे रह गई है, फ्रूट प्लांट्स के बारे में रह गई है, वो सब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमें सारे पौधों को लगा लेना है। देखिएगा, अभी मैं लगा लेता हूँ और सब, तभी आपको दिखाता हूँ कि इसका ड्रेनेज सिस्टम भी किस तरीके। और एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको, जब भी आपको जो है रिपोर्ट करेंगे तो शाम के समय ही रिपोर्ट करेंगे और छायादार जगह पर रखना है, तो छायादार जगह पर रखना है कम से कम 15 दिन। 15 दिन से पहले आपको निकालना नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ आप तेज़ होने शुरू हो चुकी है। मेरे यहाँ तो अभी मौसम सही है, खैर 35-33 डिग्री तक ही रह पा रहा है और वो भी दोपहर में रह रहा है, शाम को और सुबह में मौसम ठंडा है और रात को भी मौसम ठीक ठाक है, इसलिए मैं अभी इसे बियर रूट भी कर सकता हूँ। तो ये आपको बिल्कुल ख्याल रखना होगा, क्योंकि बस यही एक जो है वो होता है कि अगर आप बेरूट करके लगा देंगे इस समय पर, तो ये जो पौधा आपके मरने का चांस बढ़ जाता है। और जो नए गार्डनर्स होते हैं उन्हें, अगर आप ज़मीन में चाहें इसको लगा सकते हैं, जो नए गार्डनर्स होते हैं तो ये गलती कर देते हैं, जैसे हमने भी शुरू में की थी। तो ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले तो ठीक होना चाहिए गमले का, जैसे इस तरीके से इसके अंदर है। और दूसरी चीज़ जो है इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो तो होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ जो है सही समय पर सही फर्टिलाइज़र और क्या देना चाहिए, वो सब जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिएगा, ये हमारा हो चुका है, इसमें हम मियाज़ाकी मैंगो रखेंगे। किधर गया हमारा, नहीं ये है हमारा बनाना मैंगो, चलिए बनाना मैंगो रखते हैं हम इसके अंदर, थोड़ा सा बड़ा साइज है इसका। तो ये देखिएगा इस तरीके से हम रख देंगे और बाकी हम इसमें पानी दे करके भी दिखाएंगे भी आपको। तो मैं सब लगा लेता हूँ दोनों और तभी आपको मिलता हूँ। तो साथियों, ये हमारे सारे पौधे लग चुके हैं, अब मैं दिखाता हूँ इसमें पानी कैसे देना होता है। ये देखिएगा, पानी इसमें जो है देना है और शाम को ही, मैंने आपको बताया जैसे कि शाम को ही रिपोर्ट करना है, शाम से पहले नहीं करना है आपको रिपोर्ट, वरना जो है
आपको पौधे दिक्कत में आ सकते हैं, और इसे छायादार जगह पर रखना है बिल्कुल, जहाँ गर्मी बिल्कुल भी ना लगे ज़्यादा, और धूप तो बिल्कुल ही ना लगे, धूप तो बहुत ही ख़तरनाक होगी नए पौधों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी मैंने इनके जो है जो मैंने इनसे परचेज़ किए पौधे, तो इनको जो है इनकी डिटेल में वीडियो डिटेल भी दे दूँगा, आप वहाँ जा करके भी देख सकते हैं, और इनका नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो इनसे परचेज़ कर सकते हैं इस तरीके के नस्ल वाले फलदार पौधे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बैठ सकता, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़, कैमरा में खड़े होकर दिखा दें जरा।